योग दिवस पर श्रेय संग्राम। आयोजन पर सवाल, सियासत में उबाल। सीमा पर बीएसएफ के जवान। मदरसों में मुस्लिम छात्र और अध्यापक। मुस्लिम महिलाएं, अधिकारी, नेता और व्यापारी। यानी वर्ग कोई भी हो, हर वर्ग और मजहब के लोगों ने योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मेरठ का मेडिकल कॉलेज हो या फिर कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम, योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोग योगासन करते दिखाई दिए। इस मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर में योग किया तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद में योग करते नजर आए। भाजपा सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक योग के जरिए निरोगी काया का संदेश देते नजर आए। खास बात ये कि इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी तो अखिलेश ने ट्वीट कर योग से व्यक्तित्व विकास का संदेश दिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रचार प्रसार कांग्रेस को चुप गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। योगा, योग जुड़ने वाला प्राणायाम, ये सब भारत में हजारों साल पुरानी है। ये उपचार के लिए भी थी, ये स्वस्थ रहने के लिए भी थी। अब सारी दुनिया धीरे धीरे पश्चात शैली या कहीं भी या हमारे देश में ही जो अनजाना था, आज देश में लोकप्रिय हो रहा है। आज विश्व योग दिवस है, मैं सभी को बधाई देता हूं। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। योग दिवस को लेकर कांग्रेस कैंप से निकले बयान और ट्वीट ने श्रेय वाली सियासत की रफ्तार तेज कर दी है। दरअसल कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की योग करती हुई तस्वीर ट्वीट की। तस्वीर में पंडित नेहरू शीर्षासन कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस तस्वीर के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की उपलब्धि सिर्फ भाजपा सरकार की नहीं है। ट्वीट में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम पंडित नेहरू का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसे लोकप्रिय और राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। हालांकि कांग्रेस की ओर से किए गए इस ट्वीट पर पार्टी के अंदर ही दो फाड़ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कांग्रेस को नसीहत दी है, जबकि कांग्रेस नेता अजय राय ने योग दिवस पर सरकारी खर्चे पर आपत्ति जताकर बहस को अलग दिशा में मोड़ दिया है। पर गवर्नमेंट के द्वारा ये चीजें नहीं की गई, ये लगातार करना चाहिए, अच्छी चीज है। योग, एक्सरसाइज ये जरूर करना चाहिए, पर केवल एक दिन के इवेंट से समझता हूँ इससे जागरूकता नहीं आएगी। इसको लगातार और खुद अपने करना पड़ेगा। जो लोग योग कर रहे होंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से कहिए जरा 50 सूर्य नमस्कार करें ना, करें सूर्य नमस्कार 50 करके देख लें, खुद समझ में आ जाएगा। जो पैसे इवेंट पे आप खर्चा कर रहे हैं उस पे आप करेंगे तो मुझे लगता है कि लोग बहुत अच्छी मैसेज जाएगा और जागरूक लोग होंगे। एक दिन नहीं, वो रोज करेंगे। मोदी जी या जो भी लोग हैं, नड्डा जी, उनको आप देख लीजिए, अमित शाह जी, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि योग करते हैं या केवल जो है लोगों को भरमा रहे हैं और इवेंट करा रहे हैं। योग दिवस पर कांग्रेस की क्रेडिट वाली हो और सरकारी खर्च पर आपत्ति पर अब भाजपा आक्रामक है। योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। तो बीजेपी के हर काम को इवेंट कहते हैं, लेकिन यही आलोचना करते करते वो इस देश के विकास के सबसे बड़े बाधक हैं। उनके ये विचार, देश प्रगति कर रहा, सारे विश्व आज भारत की तरफ देख रहा, हमारे नेता की बात सारा विश्व सुनता है, हम ही हैं जो पर्यावरण की बात करते हैं, हम ही हैं जो जलवायु प्रदूषण की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, सारे विश्व के उन मुद्दों को जिनको भारत उठाता है उसको सारा संसार बड़ी शांति से सुनता है। शांति का संदेश हो, अहिंसा का संदेश हो, दोनों देशों की एकता का संदेश हो, तो भारत का की तरफ सारा विश्व देख रहा है। युद्ध के मुहाने पर खड़ी, विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी इस दुनिया में भारत ही वो देश है जो दोनों को शांति का मार्ग दिखा सकता है। मतलब कांग्रेसी कैंप से आ रहे बयान और ट्वीट ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सियासत के केंद्र में ला दिया है।